बार की बात है, एक व्यक्ति एक टापू पर फंस जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वहां से निकल नहीं पाता है। भगवान को कोसता है, दोष देता है, बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन वहां से निकल नहीं पाता। उसके चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी होता है। तब उस टापू पर उसको एक तरबूज दिखाई देता है। उस तरबूज को वो इंसान की शक्ल देकर, यानी उसकी दो आंखें मुंह बनाकर हर रोज उसके साथ बात करने लगता है। अब जैसे तैसे उस इंसान का जीवन आगे बढ़ने लगता है। तभी एक दिन क्या होता है कि सब कुछ यहां तक ठीक ठाक चल रहा था, उसने घर भी वहां पर बना लिया था रहने के लिए। तभी अचानक क्या होता है कि वहां पर उस टापू पर आग लग जाती है, यानी उसका जो घर था वो जलकर राख हो जाता है और उसमें से आग की ऊंची ऊंची लपटें ऊपर निकल रही होती है। तभी वो इंसान बाहर निकलता है, भगवान को दोष देता है, तुमने क्या किया, मेरे पास एक ही घर था, वो भी तुमने मुझसे छीन लिया। इस टापू पर मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं है, कोई नहीं है, तुम कितने बेरहम हो। तब वो देखता है कि वहां पर एक बोट आती है पास में और वो लोग कहते हैं कि हमने यहां पर आग जलती हुई देखी, इसलिए हम यहां आ गए हैं। उसने कहा कि भगवान तुम्हारा शुक्रिया है, अगर तुम ये झोपड़ी नहीं जलाते तो काश मुझे कोई इंसान लेने नहीं आता। तुमने झोपड़ी जलाई इसलिए यहां इंसान मुझे लेने के लिए आए हैं। तो भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, तुम्हारे भले के लिए करता है। भले ही तुम्हें उसका झोपड़ी जलाना पसंद ना हो, लेकिन अगर उसने झोपड़ी जलाई है तो वो तुमको महल देगा, इस बात का विश्वास रखना मेरे दोस्त।